गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर। इसके पिछले वीडियो में हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना था, तो आज का हमारा टॉपिक है देशांतर रेखा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच एक सीधी काल्पनिक रेखा खींची गई है, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। यह रेखा पृथ्वी पर लंबवत रूप से खींची गई है, तो हम इसको यह कह सकते हैं कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को लंबवत रूप से दो बराबर भागों में बांटती है, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। और इसी रेखा को हम कहते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, ठीक है। और ये रेखा जिस शहर से होकर गुजरती है, वो अपने नजदीकी शहर का नाम है लंदन। लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। इसके आगे वाले भाग को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके पीछे वाले भाग को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाला भाग, इस भाग को हम कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, और इसके पीछे वाले भाग को कहते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध। ठीक, अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे हमने इसके पहले क्लास में देखा था, अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम कटिबंध कहते हैं, और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, इसके पहले हमने देखा था। तो हम ये देखते हैं कि देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है। तो ठीक है, यहाँ हम फिर एक पृथ्वी बनाते हैं। ये रही हमारी पृथ्वी, ये रहा 0 डिग्री देशांतर, और इसको बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। अच्छा, एक बात ये देखिए, इस ऊपर वाले भाग को हम एनपी और नीचे वाले भाग को हम बोलते हैं एसपी, मतलब इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसको बोलते हैं साउथ पोल, जिसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब ये देखिए, ये हम बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं और इस रेखा का नाम है 0 डिग्री देशांतर। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, ऐसी काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाते हैं, उसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ठीक है, देखिए, जैसे यहां से हम रेखा खींचते हैं ऐसे, ये आके यहां मिलती है, फिर एक रेखा हम ऐसे खींचते हैं, ये भी एक यहां के मिलती है। हम ऐसे ऐसे कई रेखाएं खींचते हैं जो एक बिंदु से स्टार्ट होके एक बिंदु पर खत्म हो जाती है। तो ये सब जितनी भी रेखाएं खींची गई है, ये सब के सब देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब हम बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं क्षैतिज रूप से, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। तो यहां देखिए, यह विषुवत रेखा, यहां जो इसकी दूरी है, देखिए इसकी और इसकी दो देशांतर रेखा की दूरी कुछ ज्यादा लग रही है। अब जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे, दूरी में कमी आती जाएगी। ठीक है, अब ऐसे इस नीचे भी देखिए, यहाँ पे दूरी कुछ और है, और जैसे जैसे हम ध्रुवों को आते हैं, तो दूरी कुछ कम हो जाती है।
तो हम इसको कह सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर कुछ और होती है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं उनकी दूरी में कमी आती जाती है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो ठीक है, तो फ्रेंड्स हम देखते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ देखिए, यह है विषुवत रेखा, यहाँ और इसके बीच की दूरी कुछ ज़्यादा लग रही है, फिर जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे दूरी कम होती जाएगी, हैं ऐसे नीचे भी है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर या कहीं कहीं 111.23 किलोमीटर है। ठीक है, आगे परंतु यह दूरी विषुवत रेखा पर है, जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दूरी में कमी आती है और ध्रुवों पर इसकी दूरी शून्य हो जाती है। ठीक है, देखिए दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर या कहीं कहीं से 111.23 किलोमीटर है, परंतु यह विषुवत रेखा पर है। यहाँ देखिए, यहाँ दूरी ज्यादा है, परंतु यह दूरी विषुवत रेखा पर जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, देखिए इसकी दूरी में कमी आती जाती और यह दूरी ध्रुवों पर पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचने के बाद शून्य हो जाती है। ठीक है, अच्छा यह दूरी ऐसे क्यों, मतलब ध्रुवों की ओर बढ़ने पर कम क्यों हो जा रही है और जैसे जैसे विषुवत रेखा पर आ रहे हैं इसकी दूरी बढ़ती क्यों जा रही है? तो देखिए, ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, ये जो देशांतर रेखाएं एक बिंदु से स्टार्ट हो रही है निकल के और दूसरे बिंदु पे आके खत्म हो जा रही है, मतलब सभी देशांतर रेखाएं एक बिंदु से निकलती है और यह एक बिंदु पे आके मिल जाती हैं। ठीक है, तो अच्छा अब हम देखते हैं देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है। तो अगर मान लीजिए हम कैंची से अगर हम काटते हैं पृथ्वी को, अगर हम कैंची से काटते हैं कुछ यू संरचना बनेगी, जैसे कुछ इस तरह से बनेगी। यह है 0 डिग्री देशांतर और ये गुजरती कहाँ से है? लंदन से। अच्छा, इस वाले भाग को पूर्वी गोलार्ध और इस वाले भाग को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो यहाँ देखिए, इसको बोलते हैं 180 डिग्री ईस्ट, इसको बोलते हैं 180 डिग्री वेस्ट। अच्छा, ये देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर है। यहाँ से हम जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे हम 180 देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। फिर
ऐसे ऐसे इधर भी हम 180 देशांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? आप ये देखेंगे 180 इधर और 180 इधर। आप सोचेंगे कि 180 प्लस 180, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि या तो हम इसको 180 गिने और इसमें एक काम करना पड़े, क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोनों एक ही रेखा हैं, क्योंकि हमने पृथ्वी को बीच से काटे दो भाग में, तो कुछ इस तरह से बनी है। यदि मान लीजिए जैसे ये है पृथ्वी, हम जब इसको ऐसे काटे तो कुछ इस तरह से बनी है, अगर हम इसको फिर ऐसे गोला करके मिलाएं तो कुछ इस तरह से आकार बनेगी। तो मतलब ये रेखा फिर आपस में मिल जाएगी, तो ये रेखाएं और ये रेखाएं, ये दोनों रेखाएं एक ही होती है। तो हम इसको 180 लिखेंगे और इस वाले में एक कम करके 179 प्लस एक रेखा है ये भी है, तो प्लस एक, मतलब देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक बात बताना हम भूल गए थे कि दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर, और इन बीच वाले क्षेत्र को हम कहते क्या हैं? तो इस बीच वाले क्षेत्र को हम गोरे के नाम से जानते हैं, इस बीच वाले क्षेत्र को हम गोरे कहते हैं। तो यहां देखिए देशांतर रेखाओं की संख्या टोटल कितनी है? 360 है। अब हम ये देखते हैं कि देशांतर रेखाएं हम पढ़ते क्यों हैं। अब हम इसकी उपयोगिता, अच्छा अब हम बात करते हैं हम देशांतर रेखाएं क्यों पढ़ते हैं, इसकी उपयोगिता क्या है? तो देशांतर रेखा हम इसलिए पढ़ते हैं, इससे हम समय ज्ञात करते हैं, किसी देश के किसी देश का समय लंदन के समय से कितना आगे है या कितना पीछे है, हम देशांतर रेखाओं से ही जानते हैं। तो ठीक है, देखते हैं हम समय के बारे में, तो समय निकालना बताते हैं आप सबको, तो उसको हम मिटा देते हैं। देखिए पृथ्वी की गति, पृथ्वी में दो गतियां है, एक है घूर्णन गति, एक है परिक्रमण गति। घूर्णन गति से दिन और रात होते हैं, इसलिए इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं, दैनिक गति भी कहते हैं। तो मान लीजिए हम पृथ्वी हैं, आगे जो कैमरा लगा है ये सूर्य है, तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूर्णन करती है, जैसे ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब पृथ्वी घूमती है, तो सूर्य की रोशनी एक बार ऐसे ऐसे पृथ्वी की एक बार पीछे साइड पड़ेगी, तो यहाँ दिन होगा, मेरे सामने वाले भाग पे रात होगा, फिर एक बार ऐसे ऐसे घूम के ना, फिर जब ऐसे आती है तो एक बार यहाँ दिन होगा पीछे रात होगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में पूरा 360 डिग्री घूमती है। तो थोड़ा हम मैथ का कैलकुलेशन के देखेंगे, जैसे देखिए मैथ में एक सूत्र है, फार्मूला है, चाल बराबर कितना? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, ठीक। तो पृथ्वी 24 घंटे में कितना घूमती है? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री हम दूरी मान सकते हैं, तो जैसे हम लिख दिए 360 है, समय कितना? 360 डिग्री कितने घंटे में घूमती है? तो 24 घंटे में, तो हम यहां लिख सकते हैं 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है।
अगर हम 24 घंटे को मिनट बदले तो हम 24 गुणे 60 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 60 से 360 कट गया, बचा कितना 6, 6 से हम 24 को काट दिए, बचा कितना 4, मतलब ऊपर एक नीचे मतलब 1 डिग्री 4 मिनट। मतलब हम यह कह सकते हैं कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूर्णन करती है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूर्णन करती है। तो हमें किसी भी देश का समय जानने के लिए हमें उस देश की मानक रेखा जानना बहुत जरूरी है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे भारत की मानक रेखा, भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। तो हम किसी भी मानक रेखा में, किसी भी देश की मानक रेखा में या तो हम ई लिखते हैं या तो हम डब्लू लिखते हैं। तो ऐसा हम क्यों लिखते हैं? तो देखिए, जिस भी देश के मानक रेखा में ई लगा रहेगा तो वह है लंदन के समय से हमेशा आगे रहेगा, और जिस भी देश की रेखा के मानक रेखा में डब्लू लिखा रहेगा वह समय लंदन के समय से हमेशा पीछे रहेगा। तो देखिए, भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री, तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़े होंगे कि भारत की समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। कैसे आगे है हम आपको निकाल कर दिखाते हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं। देखिए 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लेती है पृथ्वी? 4 मिनट। ठीक, तो भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट है। तो अगर हम भारत का समय निकाले तो हम यहां लिख सकते हैं 82.5 गुणे 4 मिनट है। तो देखिए, इसको हम 2 दूनी 4, 2 8 16, इसको हम लिख सकते हैं 165/2 लिख सकते हैं। तो आगे देखिए, 2 दूनी 4, अब 165 × 2 = 10, 2 × 12 = 13, 2 × 2 = 3, मतलब 330 मिनट। अगर हम 330 मिनट को अगर हम घंटे में बदले तो हम 330 का भाग 60 में दे सकते हैं, तो 15 330, मतलब 5 घंटा 30 मिनट बचा। तो आपने पढ़ा होगा कि भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। कैसे आगे है ये हमने निकाल के दिखा दिया। ऐसे ही समय क्वेश्चन में ऐसे ही किसी भी देश की हमें समय निकालना है तो हमें उस देश की मानक रेखा जानना जरूरी है। हम मानक रेखा के अनुसार ही लंदन के सापेक्ष किसी भी देश का समय ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। मतलब भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे है। मान लीजिए लंदन में 2 बज रहा है, तो क्वेश्चन बनता है कि यदि लंदन में 2 बज रहा है तो लंदन के सापेक्ष भारत की समय क्या होगी। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे लंदन में 2 बज रहा है
और भारत की मानक रेखा कितना, 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब 5.5 घंटे आगे। तो हम दो बज रहा है तो इसमें 5.5 घंटे जोड़ दे तो होता है 7.5। यानी कि जब लंदन में 2 बजेगा तब भारत में 7.5 बजेंगे। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो आज अपनी क्लास यहीं खत्म करते हैं, है? इसके आगे की टॉपिक हम पृथ्वी की गतियों के बारे में देखेंगे। थैंक यू।